ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की बीमारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बीमारी है, जिसमें घुटना घिस जाता है। पेशेंट अधिकतर कंप्लेंट यही करता है आगे कि मुझे चलने में दर्द होता है, दिक्कत होती है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस दो कारण से होता है। पहला कारण जो उम्र के साथ आता है, और दूसरा किसी कारणवश चोट लग जाए और घुटने के अंदर कोई दिक्कत आए और लंबे समय रहने से घुटना घिसता है। सिंपल भाषा में अगर कहें, कुछ डॉक्टर, कुछ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं पेशेंट को समझाने के लिए कि भी जोड़ एक तरफ से जो है गैप कम हो गया है, या गैप एक तरफ से बढ़ गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, हड्डी बढ़ गई है, या सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि जोड़ जो है घिस गया है। ये सारी बात एक ही है, मरीज को समझाने का एक तरीका है। इसकी जो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक्सरे होता है, और ज़्यादातर गलती पेशेंट ये करता है कि एक्सरे अपने मन से जाके करा लेता है बिना डॉक्टर के सलाह। उसमें दिक्कत ये आती है कि एक्सरे वो लेट के कराता है, लेट के एक्सरे कराने में इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। एक्सरे जो दोनों घुटने का एक साथ खड़े होकर जब भार देंगे, वजन देंगे घुटने पर, तब एक्सरे करना चाहिए इसका। और एक्सरे दो प्रकार के, दो टाइप के होंगे इसमें, एक एपी होगा और एक लेटरल होगा, सामने से देखेंगे और साइड से देखेंगे। इस जब भार पड़ता है घुटने में तब हम उस पर कोई बात कमेंट कर सकते हैं कि घुटना कहाँ से गैप कम हो रहा है और कहाँ से कितना कम हो रहा है और कहाँ से कितना खुल रहा है। एक्सरे ही एक इन्वेस्टिगेशन है जो इसमें सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय रूटीन के जो ब्लड टेस्ट है उनके। ट्रीटमेंट में ये है कि भाई सबसे पहले जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके जीवन शैली में आपने परिवर्तन करने हैं वो मरीज को समझाए जाते हैं। जैसे कि अगर वजन ज़्यादा है किसी का तो वजन कम करने की सलाह दी जाती है ताकि घुटने पे वजन कम आए। दूसरा, पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो कुर्सी से नीचे ना बैठे, कुर्सी पे बैठे, माचे पे बैठे, स्टूल पे बैठे, सोफे पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे नीचे बैठेंगे आप तो घुटने पे जोर पड़ेगा और दर्द करेगा। बुलाठी लगाना, चौकड़ी लगाना, आलती पालती लगाना, उकड़ू बैठना, पैरों के बाहर बैठना, ये सब इसमें हम मना करते हैं मरीज। दूसरा इसमें रोल आता है, इसी से अगर ये सिर्फ इतनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले पेशेंट तो इसी से करीब 30-40% का फायदा सिर्फ इसी चीज़ से पेशेंट को आ जाता है, दर्द के अंदर भी और चाल के अंदर। तीसरा हम कहते हैं पेशेंट अपना फुटवेयर ठीक रखे, ग्रिप अच्छी हो, फिसलन वाली सतह पे ना चले, ऊंची नीची जगह ना चले, तेज ना चले, कुछ जंप लगाने की कोशिश ना करे, पैड़ी उतरनी, पौड़ियाँ उतरनी चढ़नी, स्टेयर्स अवॉइड करें। मेडिकेशंस का भी रोल है। मेडिकेशन सबसे पहले देखिए, बिना दर्द के घुटने का कोई इलाज नहीं कराता है। घुटने में दर्द है तभी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो मेडिकेशन सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें जो है पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइड जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, और पेशेंट्स को ज़्यादा इस बात के लिए इनक्रेज करते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज भी करे। एक्सरसाइज भी मैं भी आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज, जो बेसिक एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स की वो करे। मसल्स, घुटना अगर खराब है, दर्द है, तो घुटना कम यूज़ करता है आदमी, इससे मसल्स वीक हो जाती है। एक्सरसाइज करते रहेंगे, मसल्स अच्छी रहेंगी, टोन अप रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, घुटने पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मेडिकेशंस में आजकल कई टाइप की मेडिकेशन आती हैं, जिसमें से पेन किलर तो बता ही दिया मैंने आपको, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि ग्रीस बनाने की दवाई। ग्रीस बनाने की दवाई एक मेरे हिसाब से मिथ है, ग्रीस नहीं बनेगी। ग्रेड 4 अगर आपका बहुत ज़्यादा घुटना घिसा हुआ है उसमें आप ग्रीस बनाने की दवाई ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। ग्रीस बनाने की दवाई कई प्रकार की आती हैं, पर वो शुरुआती दौर में ही आपके काम करेगी।
ग्रेड वन या ग्रेड टू में ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएंगे। दर्द सर्जरी का डायरेक्ट लिंक है, अगर पेशेंट को दर्द नहीं होगा तो सर्जरी नहीं कराएगा, और सर्जरी मैं पर्सनल चॉइस के लिए बताऊंगा कि सर्जरी अवॉइड करें जब तक कि आपकी लाइफस्टाइल ही हैम्पर ना हो जाए, लाइफस्टाइल ही आपका ख़राब ना हो जाए, उठने बैठते लेटते जागते आपको दर्द हो, अनबियरेबल दर्द हो, तब तक आप उतना दूसरे को देखा देखी ना बदलवाने की चाहत रखें। दोस्तों ये जो बीमारी है इरिवर्सिबल बीमारी है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम घुटने आपके नए कर दें। आपने जो चीज़ बची है, जितना घुटना आपका बचा है उतना आपने इसको चलाना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे करके थोड़ा सा ब्रेसिंग भी कर सकते हैं, घुटने को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं चलते वक्त, और थोड़ी बहुत मेडिकेशन देके। बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन है आपको लाइफ स्टाइल में दिक्कत दे रहा है तो फिर आप घुटना प्रत्योपकरण जिसे बोलते हैं घुटना टीके या टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं वो एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप अपने दर्द में ऑस्टियोआर्थराइटिस में रेगुलर कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज ये है कि आप घुटने को सीधा करें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजा अपनी तरफ करें, घुटना आपका इससे टाइट हो जाएगा, हाथ अपना टाइस पे रखें और 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोड़ लें धीरे से नीचे। ये एक्सरसाइज एक बार में एक घुटने की करनी है, दोनों घुटने की एक साथ नहीं करने, यूं नहीं करना है, यूं करेंगे तो आपके कमर में दर्द आएगा। पहले इस घुटने की करें, पंजा अपनी तरफ, घुटना टाइट 10 तक गिनती और फिर नीचे रखें आराम से। फिर दूसरा घुटना करें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजा अपनी तरफ, घुटना टाइट करें 10 तक गिनती और नीचे रखें। एक एक्सरसाइज तो ये है, एक्सरसाइज ये है कि आप अपना पैर सामने स्टूल चेयर किसी भी रख सकते हैं, घुटना टाइट कर सकते हैं, घुटना टाइट करना है, पंजा अपनी तरफ करके 10 तक गिनती करनी है और फिर ढीला छोड़ना है, फिर टाइट करना है, पंजा अपनी तरफ करके और फिर ढीला छोड़ना है। दोस्तों एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, ये दो एक्सरसाइज आप रेगुलर करें जिससे आपको मसल्स को टोनअप करने में, घुटने की चाल बनाने में आपको काफी जो है मदद मिलेगी। धन्यवाद।